नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर विद्युत रसायन के थ्योरी का पार्ट 1 बताऊंगा। अगर आपने इसके पहले के दो चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन दोनों चैप्टर्स के वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू कर। तो इसमें पहला टॉपिक है विद्युत रसायन, यानी कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यानी कि विद्युत रसायन क्या होता है, ये इस चैप्टर के नाम में ही छिपा हुआ है। ध्यान दीजिए आप, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर विद्युत रसायन, इसे हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ये तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला शब्द है इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द है केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रो है, इसका तात्पर्य यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रो का तात्पर्य यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। और इसके अलावा यहाँ पर जो केमिस्ट्री शब्द है, इसका तात्पर्य यहाँ पर केमिकल एनर्जी से है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इसका मतलब होता है यहाँ पर विद्युत ऊर्जा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, और केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा। याद रखिएगा, यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो का तात्पर्य इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का तात्पर्य केमिकल एनर्जी। तो आप इसमें बता सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके हम अंतर्गत हम लोग विद्युत ऊर्जा और रसायन ऊर्जा, इन दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रसायन। याद रखिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रसायन। यानी कि यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो रसायन ऊर्जा में होगा और रसायन ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होगा। तो वही इसमें बताया गया है, ध्यान दीजिए। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। इसके बाद अगला टॉपिक है विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कि विद्युत अपघट्य गलित अवस्था एवं विलयन में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, शब्द आया है विद्युत अपघट्य, यानी कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। तो विद्युत अपघट्य के लिए आप बता सकते हैं कि ऐसे लवण या यौगिक जिनको हम जल में मिलाते हैं या फिर जल में घोलते हैं तो वो आयनों में टूट जाते हैं। याद रखिएगा कि वे लवण या यौगिक जिनको जल में मिलाने पर वे आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए NaCl है, तो NaCl को जब हम लोग जल में मिला देते हैं तो जल में मिलाने पर ये Na+ और Cl- दो आयनों में जो है टूट जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये है, ये विद्युत अपघट्य है। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत अपघट्य जो है वो गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। याद रखिएगा, जो विद्युत अपघट्य होते हैं वे गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। विलयन में उपस्थित आयनों, यानी कि जो विलयन में उपस्थित आयन होते हैं, के कारण विद्युत के चालकत्व को विद्युत अपघटनी या फिर आयनिक चालकत्व कहते हैं। तो याद रखिएगा कि विद्युत अपघट्य जो है वो गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, और विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को विद्युत अपघटनी या फिर आयनिक चालकत्व कहते हैं। इसके बाद है विद्युत अपघटनी चालकता से संबंधित कुछ मूल अवधारणाएं। जो अभी आपको विद्युत अपघटनी चालकता बताई गई है, इससे संबंधित जो कुछ मूल अवधारणाएं हैं, तो ध्यान दीजिए, पहला है इसमें विद्युत चालकता, यानी कि विद्युत चालकता क्या होती है। तो अब ध्यान दीजिए, इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध, यानी कि अगर आपको वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है ये पता होगा तो आपको वैद्युत चालकता के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, वैद्युत प्रतिरोध, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट। याद रखिएगा, विद्युत धारा के
मार्ग में उत्पन्न होने वाली जो रुकावट होती है उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध, यानी कि ये वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। और इस वैद्युत प्रतिरोध को हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। ये विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है और इसका मात्रक जो होता है वो होता है ओम, और इसे हम लोग इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये वैद्युत प्रतिरोध हो गया। तो अब आपको पढ़ना है वैद्युत चालकता। तो याद रखिएगा वैद्युत चालकता जो होती है वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को जो है हम लोग वैद्युत चालकता कहते हैं। याद रखिएगा वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता को हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं सी से। तो सूत्र होता है इसका सी बराबर 1/r। तो R यहाँ पर प्रतिरोध है तो ये 1/r लिखा है, इसीलिए इसमें बोलते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो अगर इसका हम लोग यहाँ पर मात्रक ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 और बटे में प्रतिरोध का मात्रक यानी कि ओम। तो इसे जब हम लोग ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, इस प्रकार से इसका मात्रक हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो वही यहाँ पर दिया गया है कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं और विद्युत चालकता को प्रदर्शित किया जाता है सी से। तो इसका सूत्र हो जाएगा सी बराबर 1/r, क्योंकि आर यहाँ पर जो है वो वैद्युत प्रतिरोध होता है और वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग बोलते हैं विद्युत चालकता। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हम लोग विद्युत चालकता का मात्रक लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मात्रक बराबर, अब ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करना है आपको, यहाँ पर दिया गया है 1/r। तो R यहाँ पर जो होता है वो वैद्युत प्रतिरोध होता है और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ओम। अब इसके बाद यहाँ पर जब इसे हम लोग ऊपर लिखेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा यानी कि ओम इनवर्स, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगर आप इसे सिंबल के रूप में लिखते हैं तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स इतना, या फिर इसके अलावा भी इसका एक मात्रक होता है, याद रखिएगा यहाँ पर ओम इनवर्स के अलावा इसका मात्रक होता है महो, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो ये भी जो मात्रक होता है ये विद्युत चालकता का होता है, तो आप चाहे इसे महो लिख दीजिए या फिर ओम इनवर्स लिख सकते हैं। इसके बाद टॉपिक है विशिष्ट चालकता, यानी कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और इसके अलावा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर। तो जब ये अनुक्रमानुपाती का निशान यहाँ से हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाता है रो L/A। तो यहाँ पर जो नियतांक लगा है रो, इसे ही हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। याद रखिएगा अगर यहाँ से हम लोग रो का मान ज्ञात करें तो ये इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा R A और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा L। तो यहाँ पर ये रो बराबर आ जाएगा RA/L। तो रो जो है यहाँ पर ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं विशिष्ट चालकता। तो अब ध्यान दीजिए, तो वही यहाँ पर दिया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और विशिष्ट चालकता को जो है हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं कप्पा से। याद रखिएगा इससे हम लोग लिखते हैं कप्पा, याद रखिएगा ये कटप्पा नहीं है यहाँ पर कप्पा है, इससे हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कप्पा बराबर 1/ρ। रो अभी आपको बताया गया, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। और रो का अभी आपको सूत्र यहाँ पर बताया गया है, यानी कि रो बराबर होता है RA/L। तो ये सूत्र होता है, तो रो की जगह पे यही मान यहाँ पर रखा गया है। तो जब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी, तो वही हो गया है RA और यहाँ पर ये ऊपर आ गया L। और विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है उसे हम लोग लिखते हैं ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये यहाँ पर जो होता है वो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है, या फिर इसके अलावा भी एक मात्रक होता है जिसे हम लोग लिखते हैं साइमन ये सेंटीमीटर इनवर्स, इस प्रकार से। यानी कि ओम इनवर्स का मतलब यहाँ पर हो गया साइमन और इसके अलावा ये सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये भी इसका मात्रक होता है। इसके बाद अगला है मोलर चालकता, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं लेमडा एम से।
तो यहाँ पर मुलर चालकता क्या होती है, ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। याद रखिएगा, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होती है उसे हम लोग बोलते हैं मोलर चालकता, और इसे प्रदर्शित करते हैं लेमडा एम से। तो अभी आपको एक पढ़ाया गया था विशिष्ट चालकता, जिसे हमने बताया था इसे प्रदर्शित करते हैं कप्पा से। इसके अलावा मोलर चालकता, जिसे हम लोग लिखते हैं लेमडा एम से। तो अगर इन दोनों में यहाँ पर संबंध ज्ञात किया जाए, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र प्रयोग करते हैं हम लोग, लेमडा एम बराबर कप्पा गुड़े 1000 और बट्टे में होता है सी। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर कप्पा गुड़े 1000 और बट्टे एम, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सी या फिर इसके अलावा एम प्रयोग किया गया है, ये विलयन की मोलर सांद्रता होती है। याद रखिएगा, विलयन की मोलर सांद्रता सी से प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसे आप एम से लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है कप्पा और लेमडा एम में संबंध, यानी कि विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में संबंध हो जाएगा। इसके बाद अगला है तुल्यांकी चालकत्व। तो ध्यान दीजिए, तुल्यांकी चालकत्व यानी कि तुल्यांकी चालकता क्या होती है, इसमें दिया गया कि किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसका तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। याद रखिएगा, किसी विद्युत अपघट्य, और विद्युत अपघट्य के बारे में भी आपको बताया गया था कि ऐसे लवण या यौगिक जिनको जल में मिलाने पर वे आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो वही यहाँ पे दिया गया कि किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसका तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर तुल्यांकी चालकत्व को हम लोग प्रदर्शित करते हैं लेमडा इक्यू से। तो अगर हम लोग लेमडा इक्यू और इसके अलावा अभी जो आपको बताया गया था विशिष्ट चालकता, इन दोनों में यहाँ पर संबंध ज्ञात करें, तो इसके लिए यहाँ पर जो सूत्र प्रयोग किया जाता है वो होता है लेमडा इक्यू बराबर, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कप्पा गुड़े 1000 और बट्टे यहाँ पर होता है सी। तो ये यहाँ पर तुल्यांकी चालकत्व और इसके अलावा विशिष्ट चालकता में संबंध होगा। तो बाकी के टॉपिक्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।